Hey guys, what's up? Namaskar, game show. Adab se shekal banak. Welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. So guys, finally we have checked in at 3-star resort, Darjeeling mein. और इधर वॉशरूम है ना? ठीक है, गीजर भी ठीक है. ओके, थैंक यू. सो दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग हैं रिजॉर्ट पे, और हमारे होटल से आपका व्यू जो है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल ही है. इसको आप बालकोनी बना के निकल सकते हैं. वाह, आप देख सकते हो गाइस हमारे खिड़की से क्या दिख रहा है. ये है स्टीम इंजन, इसमें कोयला डालते हैं भाई साहब. कतई ओपी, बिल्कुल दार्जिलिंग. और ये मेरा रूम. मनीषा जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, चलना है. अभी मनीषा को एक फैन भी मिल गई थी ना, सब्सक्राइबर हमारे. आप आगे थे ना, मेरे कोई देख के सच नहीं. हाँ, तो गाइज ये होटल का नाम है अनंत होटल्स जम्बाला. बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं. रूम तो आप देख ही चुके हैं. वॉशरूम इज ऑल्सो ओके, वेरी नाइस. क्या होया तनु? हाँ, तो ये 3-स्टार होटल है ना, इसमें सब ऐसे ही रखा होता है. मस्त, चलो पूरा घूमना है एकदम रात भर. हाँ। ठीक है, तुम थकना मत, थक जाओगी. थकोगी नहीं ना? मैं थकेगा नहीं साला. तो दोस्तों आप एक भी जींस नहीं लेके आए? मंशा एक भी जींस लेके आए? क्या पहनोगी अभी तुम? मैं साड़ी वगैरह पहन के इतना ट्रैवल. अभी तुम क्या पहनोगी? अभी आई थी एक्चुअली, हम लोग शादी में जाना था, लेकिन हुआ क्या ना, मैंने मम्मी को कॉल किया, प्रिंस को कॉल किया, सब लोग सिक्किम में है, किसी ने कॉल पिक नहीं किया, क्योंकि रात को सब लोग शादी अटेंड किए थे, रात भर जगे हुए थे, वो लोग थक गए थे. तो मम्मी ने फोन नहीं उठाई, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा है. फिर मैं बोला कि खड़े खड़े क्या करते हैं, सिलीगुड़ी से पास में ही दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग चलो एक चक्कर काट के आ जाते हैं. वैसे भी अब 2 तारीख को रिसेप्शन है, तो चलो पहले ले लो. तो चलते हैं अभी, थोड़ा सा हम लोग खाएंगे पियेंगे, मस्त मजे करेंगे, ऐश करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद से शाम का दार्जिलिंग का नजारा दिखाएंगे, फिर कल सुबह का, उसके बाद से कल निकल जाएंगे, है ना? कोई बात नहीं. तो गाइस बाथरूम जाने के बाद मनीषा कह रही कितना सुंदर है वॉशरूम. सुनो तो वॉशरूम के एग्जॉस्ट से आपको पता क्या दिख रहा है? यहाँ से देखो, यहाँ का नजारा एक बार देख लो भाई साहब, ये क्या दिख रहा है? दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन कितना क्यूट है यार, वो कितनी ऑसम है. हे गाइस, तो हम लोग जाएंगे मार्केट, और मार्केट से कुछ लेना भी है. एंड मार्केट जाने से पहले मैं चेक करती कि मेरे को जींस वगैरह लेना है, जींस फ्लिक भी लेके नहीं आई हूं. मतलब चलो कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, ले लेते हैं. मैं थोड़ा सा बालकनी से एक नजर दिखाती हूं. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, सो बिहाइंड मी देयर इज अ हाउस ऑफ क्लाउड, बहुत ज्यादा बादल भरा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है. अब इस गर्मी में आप लोग सोच रहे हो यार किस्मत ही है, अब स्टेशन भी दिखना बंद हो गया. देखो मनीषा को आंटी भी मिल गई, हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिले थे अभी दुकान पे, हम पहले वहाँ चलते हैं ना. चलो तो गाइस मनीषा की सब्सक्राइबर मिली यहाँ पे, अब आप भी आइएगा वीडियो में. जोर से चिल्ला रही, ओए ओए ओए, रोक दी एकदम. चलो अब हम लोग कुछ खाते हैं, आपके यहाँ पहली बार आए तो हम लोग लेकिन पेमेंट कर देंगे, ठीक है? और क्या लेंगे? कुछ भी खाएंगे, जो सबसे अच्छा आप खिला दीजिए हम लोग. चलो एक पैटीज खिलाइए आप. तो गाइस मना कर रही थी बहुत पैसे लेने से, लेकिन फिर भी हम दिए. जाओ बोलो, वो कह रही थी कि प्लीज एक सेल्फी लेके जाना. मीनवाइल यहाँ का मौसम बहुत ऑसम है. तो दोस्तों अब मनीषा को भुट्टा खाना है. मनीषा पहले चेंज वेंज करके घूमा जगह ना, खाएगी अभी, अभी खाएगी, आते टाइम ले लेना. मोमोज पहले खा लेते हैं, फिर होटल में लेके चल के खाते रहना. बेचारी मुंह लटका लेती है, इसके चॉइस का पहले इसको दिला दो, उसके बाद से कुछ भी करते रहो. तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, कितना मस्त है, बहुत अमेजिंग, एंजॉय कर रहे हैं. और दार्जिलिंग सीरियसली यार कोयला पे सेक रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है वहां. और मार्केट का नजारा देखिए, कोहरा इतना है, धुंध इतना है कि आपको लगेगा भाई साहब पता नहीं क्या ही है, लेकिन बहुत अल्टीमेट, बहुत ही ज्यादा शानदार जगह है ना. मनीषा हम लोग ने
रेडी होके आएंगे। अभी हम लोग थोड़ा तैयार व्यार होके शाम को घूमेंगे नहा धो करके मस्त। तो गाइज अभी हम लोग खा रहे हैं वेज मोमोज, प्योर वेज मोमोज है ना, हम लोग को नॉन वेज नहीं खाना, प्योर वेज मोमोज खाएंगे। और यहाँ के मोमोज की टेस्ट बहुत अल्टीमेट है ना, नेक्स्ट लेवल मोमोज। यहाँ सिर्फ वेज आइटम्स हैं, यहाँ सिर्फ नॉन वेज आइटम्स। तो गाइज अभी हम लोग दार्जिलिंग के चौक पे आए, यहाँ पे मनीषा को रोल भी खिलाया और हमने मोमोज यहाँ भी दी आंटी से ट्राई किया, वहाँ भी मोमोज ट्राई किया, यहाँ भी ट्राई किया, लेकिन यहाँ वाला मोमोज बहुत अल्टीमेट था, बहुत टेस्टी था। असली मोमोज यहीं मिलेगा आपको तो ये आंटी के पास, तो बहुत टेस्टी लगा। बाकी फिलहाल अब हम लोग चलते हैं। तो गाइज अभी यहाँ पे शॉप पे आए हुए थे और यहाँ से कुछ स्टॉप वगैरह नहीं है। वहाँ पे बाहर कितना धुंध है गाइज, कितना ज़्यादा धुंध है। सो दोस्तों हम लोग चलते चलते पता नहीं ना जाने कहाँ आ गए, लोग येलो लाइट जला के चलते हैं क्योंकि फॉग है बहुत ज़्यादा। अब आप लोग भी देख सकते हैं सिग्नल वाला लाइट जो है और चौक भी बिल्कुल ना के बराबर, और यहाँ की मार्केट ना 7-8 बजे क्लोज जाती है। तो हम लोग सोचे थे कि चेंज करके आएंगे फिर मार्केट घूमेंगे, लेकिन मार्केट ही बंद हो जाता है। तो होटल में आनंद लेंगे ना मनीषा। तो दोस्तों मनीषा को यहाँ पे खाना था भुट्टा, जो हमारे हरियाणा पंजाब में छल्ली भी कहते हैं, है ना, और हमारे बिहार में बाल कहते हैं, बाल बिहार में बाल कहते हैं। अभी यहाँ पर ट्रेन की पटरी के साइड ऐसे शॉप्स लगते हैं गाइस, बहुत अमेजिंग शहर है, एक बार ज़रूर आना, बहुत मज़ा आया है दार्जिलिंग में। बाकी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अब होटल, ठंड बहुत लग रहा है, रोंगटा पूरा खड़ा हो गया ठंड से। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में, होटल में आते हैं के बाद हम लोगों ने रेस्ट वेस्ट किया, फिर अभी सोचा डिनर मंगा लेता हूँ क्योंकि बाहर एक्चुअली हमारे पास स्वेटर नहीं है, और बाज़ार गए भी तो हम सोचे थे दोबारा हम जाएंगे, लेकिन यहाँ के मार्केट्स हैं जो 8-9 बजे क्लोज जाते हैं। और इनफैक्ट मैंने तो जब रूम सर्विस को कॉल किया तो दे सेड लाइक कि 9 बजे शायद रूम सर्विस वगैरह सब कुछ ही हो जाता है। भैया ये मैंगो कट कर दीजिए। तो फिर मेरे को पता लगा कि समहाउ मैनेज हो गया कि ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन चलो आया तो सही खाना एटलीस्ट। तो अभी फ़िलहाल बाजार से ना हम लोग मैंगो ले आए थे, तो मैंगो को मैं कट करा ले रहा हूँ, चाकू रूम में अलाउ नहीं है, मिलता नहीं है, इसलिए मैं बुलाया था बंदे को तो वही कट कर देगा। और बेस्ट पार्ट अबाउट आवर डिनर इज़ लाइक डिनर जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है इस होटल का, तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप आओ तो इस होटल में ही रुको, काफ़ी अच्छी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। मेरे को तो ठीक ठाक लगा, अब वैसे एकदम आप ललित टाइप या फिर वैसे भी नहीं सोच सकते, लेकिन हाँ कम भी नहीं फील होगा, बिल्कुल अच्छा ही है। बाकी चलो अभी आपको खाना दिखाते हैं। सो गाइस आप लोग अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग खाना को ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें है हमारे लिए कुछ नॉन वेज, ये है राइस, इसमें है चपाती और ये है सैलड। ये सैलड अभी पैक है, ठीक है, ये भी साथ के साथ पैक हुआ है, नीचे रेस्टोरेंट है वहीं पैक करके ये लोग देते हैं, तो बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन है। बाकी अभी मैंगो कटिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारी प्यारी सी धर्मपत्नी जी बैठ चुकी हैं खाना सर्व करने के लिए। वैसे गाइस देखो टेबल है वहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, वहाँ पे टेबल है, यहाँ पे सोफ़ा है। तो हम लोग सोचे कि यार अब इतना मेहनत क्यों करेंगे, लगाओ यहाँ पे मैट लगा हुआ है इसके ऊपर हम लोग आज थोड़ा थोड़ा खाना है वैसे भी हमें, क्योंकि हम लोग मार्केट में आज बहुत कुछ खाया ना। और गाइस मोमोज बहुत अच्छा है यहाँ का, कल भी खाया जाएगा सोना मोमोज, ठीक है ठीक बा खाई जाएगी। मैं वही बता रहा हूँ बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया। होटल का नाम भी आप देख लो गाइस जब तुम रुके, ये यहाँ का वन ऑफ द बहुत अच्छा होटल है, ये है आपका अनंत होटल्स, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है जमींदार, आप इसके आप अनंत होटल्स काफ़ी छोटे हैं, छोटे हैं कोई बात नहीं है। चलो गाइस तो काफ़ी टेस्टी खाना हमारा, खाना पीना तो हो गया, अब बारी है आराम करने की। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अब हम लोग जाएंगे, भाई की शादी तो खत्म हो गई, रिसेप्शन पार्टी को अटेंड करेंगे, वैसे आप प्रिंस के चैनल पर देख ही रहे होंगे, तो मम्मी भी मिलेंगी, सो सब लोगों से मिलना है अभी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगले वीडियो में आप लोग को सिक्किम का नज़ारा दिखाएंगे, अगले वीडियो में नहीं, अगले कुछ वीडियोज़ के बाद, क्योंकि दार्जिलिंग आए तो थोड़ा दार्जिलिंग घूम लेते हैं ना, वहाँ की वीडियो दिखाते हैं। ओके गाइज बाय बाय, लव यू ऑल।